हमारा देश तो भगवान श्री राम का देश है। हमारे देश में चार पांच भेद भाव जैसी कोई चीज है नहीं ना। हम तो एकता समता में विश्वास रखते हैं। अरे भगवान से भी तो गलती हो सकती है। अब अगर भगवान गलती करेंगे तो उसे कौन सुधारेगा? हम ही तो सुधारेंगे। अरे देखिए भाई साहब, बहू तो हमको सुंदर और सुखी नहीं चाहिए। अरे हम तो जात पात कुछ भी नहीं मानते। हमारा मानना है जो या तो ना ऊपर वाला नलायक कैसी महिला आया। अरे छोटी जाति की है वो, दहेज भी नहीं दिया। खानदान की जगह तो मिट्टी में मिलाएगा। उनकी पार्टी के लोग वोट बैंक राजनीति करते हैं। हम, अरे हम तो भैया इस देश का भला चाहते हैं। इस देश की संस्कृति को बचाना ही हमारा परम धर्म है। मेरा तो गांव के बाहर जितनी भी छोटी जाति के लोग रहते हैं ना, उनके पास एक बोतल पहुआ और एक 500 का नोट पहुंचा दियो। और हाँ, मतदान वाले दिन अच्छी खातिरदारी करियो उनकी। भैया खातिरदारी मतलब? खातिरदारी मतलब ये ग्लास, ये है उनकी उम्मीदों का ग्लास। इसमें परेब की मीठी चाय भरकर उन्हें तब तक पिलाओ जब तक वो सच का कड़वा स्वाद न भूल जाए। और रही बात ग्लास की, ग्लास तो अपना ही है जब मन किया लिया। और ये प्रथा हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाएगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रगति का मार्ग दिखाएगी, एक सफल व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करेगी और भारत को विश्व का मार्गदर्शक बनाएगी। ठीक आ गया।
समय तक चला भी। मतलब अगर मैं किसी कुमार के घर पैदा हुई तो मैं कुमार, ऐसा कैसे हुआ? चलिए पता करते हैं। पानी भी नहीं पीने दे रहे, अब क्या करेंगे हम लोग भैया? भाई कुछ गलत नहीं हो रहा भाई, सरकार कुछ भी गलत नहीं कर रहा, सब तो रहा है भाई, सब ठीक हो रहा है भाई, भाई सब ठीक हो रहा है। अरे तू कहाँ चला गया? इतना गलत हो रहा है, तुझे दिख नहीं रहा कुछ भी? अरे भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कौन है भाई साहब? दर्शकराम। दर्शकराम जी, आपने देखा ना इधर इतना गलत हुआ? अरे हुआ क्या है? अरे उसको इतना पीटा गया, उसको बाहर भेजा गया और वो अंदर आके कह रहा है सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अच्छा, इतना गलत हो रहा है? इतने लोगों को रोका जा रहा है पानी पीने से, मंदिर में जाने से। देखिए भाई साहब, हमें पता तो जब लगेगा ना, जो हमने कुछ देखा होगा। दर्शक राम,
तू ही तो एक है ये मत बोल। अबे हर बार इतनी दिक्कत है देखो, चल हर बार दिक्कत है, बोल क्या चाहिए देखो। 20 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा 20 में से 10 साल में मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा फिर भी ये मुझे कहती है कि किचन में जाओ, चाय की ग्लास लाओ, धोके दो, मैं क्यों करूँ भाई? अबे भाई तुझे नहीं पता क्या? नहीं पता, देख पता तो मुझे जब लगेगा जब। देखा नहीं यार मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे को ये काम करने नहीं देते? मेरे को जानना है आज जानना है। तुझे बता दूं मैं तुझे? बता आज बता तू। अबे यार तू ना हम है ना, अबे तू ना बोल दे भाई राम, भाई को जानी थे हमारे
हम पहुंच गए अपने पिताजी के पास। पिताजी, आज स्कूल में हमसे टॉयलेट साफ करवाया, मिड डे मील में खाना भी नहीं दिया, खाना बचा अभी नहीं तो नाम लाओ। कक्षा में हमें सबसे पीछे बैठना पड़ता है, कोई हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, और किसी से कुछ भी कहो तो कहते हैं उसी के बेटे हो ना तुम, तुम्हारी यही औकात है, इसी के लायक हो तुम, ऐसा क्यों पिताजी क्यों? बेटा, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम इस घर में पैदा हुए। मतलब हमारा जन्म ही हमारी सबसे बड़ी गलती है बेटा, और हम कितनी भी कोशिश कर ले इस गलती को सुधार नहीं सकते बेटा, मगर हम लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि गलती हमारी नहीं उनकी है, गंदे हम नहीं गंदी उनकी सोच है, बस यही बात हमारे मन में बैठ गई, और हम सबसे यही कोशिश करते रहे, सबको यही समझाते रहे कि गंदे हम नहीं गंदे तुम हो। फिर हमने इस बात को सीरियस लेने छोड़ दिया, यानी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, क्योंकि हमको अपना टोल पता लग गया था। वक्त बीता और हम इंटर पास कर लिए, मालूम है हमने पूरे कुनबा में एक ही थे जिसने इंटर पास किया था, ठीक है, इस तक हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ इतना पता लग गया था कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम पहुंचे कॉलेज, यानी एक नया सबक, सोचा था यहाँ लोग अलग होंगे, समझदार होंगे, अरे मैच्योर होंगे, लेकिन जैसे ही हमने अपना पहला कदम कॉलेज में रखा, सीनियर्स हमसे पूछे, कहाँ से आया है? जीवन गंगा के दूसरे किनारे से आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम तो डरते भी थे क्योंकि जगह तो नहीं थी, लेकिन स्वभाव तो साला वही जिसके हम हैव टू हो चुके थे, पर ये इसके साथ करने का काम नहीं किया हमने कभी, बहुत पिटे साला, जब भी आता तो चढ़ लगा कर चला जाता, अरे कंप्लेंट करते भी तो किसको करते, सब एक जैसे ही तो थे ना वहां तुम्हारे। फटाफट में हमने ना जाने क्या जवाब दिया कि क्लास के भाई और बैठी एक लड़की ऐसे मुस्कुराई और हम भाई परी पिघल गए, बस ये वक्त था, और हमने एक ही दिन में उसका नाम पता ईमेल आईडी इंस्टाग्राम सब पता लगवा लिया, बात करने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं, अरे बातें हुई मुलाकातें हुई, और यह जाना वो हमारी ख्वाहिश से हमारी मोहब्बत बन गई। हम पहुंच गए हाथ में गुलाब लेके अपनी मंजिल के पास, पूरी हिम्मत से कह दी हमने अपने मन की बात, कुसुम कुसुम आई लव यू कुसुम, प्रेम रेम चल रहा है, जूते साफ कर दे जरा, हमारे औकात भूल गया क्या तू अपनी? क्या कह रहे हैं ये लोग, जूते साफ करते हो? कुसुम, फिर हमारे साथ जो भी हो, हम कौन है, हमारे बाप का नाम क्या है, हमारी जात क्या है, हमने सब उसे बता दिया। अरे पहले तो सिर्फ दिल पीठ पे जख्म था, लेकिन उस दिल के बाद साला दिल भी जख्मी हो गया, और एक बात समझ आ गई, ये प्यार प्यार का चक्कर कुछ नहीं है, हमने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी, अपनी जिम्मेदारियों का बहुत समझते थे, तो पीएचडी से मिलती छात्रवृत्ति से अपने घर वालों की मदद करी। अरे सुनकर लग रहा होगा ना आपको कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती, हमें भी यही लगा था, पर वक्त हमसे जितना दूर जा रहा था, हमारी पहचान
पहचान जिसका टैग समाज ने ऊपर लगाया था, वो लकड़ी में लगी उस दीमक की तरह हमारी आत्मा को खोखला कर चुकी थी। और से एक बात जो समाज ने हमको सिखाई थी, दैट माय बर्थ वाज अ फेटल एक्सीडेंट। सवाल ये आता है कि आज उनके साथ हो रहा है